Dear student, once again welcome back to my online class. Dear student, you know very well I am Rahul Rajput, your math teacher of LPM Public School. Today, dear student, we are going to discuss about the new topic, that is list comes multiples, and that is short form of LCM. Very important and very famous topic. प्रीवियस क्लास में हमने एचसीएफ को देखा था और आज की वीडियो में हम एलसीएम पर डिस्कस करेंगे. कैसे हम एलसीएम को फाइंड आउट करेंगे ये हम देखते हैं. इससे पहले हम जानने की कोशिश करें कि एलसीएम जो होता है डियर स्टूडेंट, वो हम दो तरीके से फाइंड आउट करते हैं. फर्स्ट जो होता है वो फैक्टराइजेशन मेथड होता है और सेकेंड जो होता है वो डिवीजन मेथड होता है. तो आज की इस वीडियो में हम फैक्टराइजेशन मेथड को ही यूज मिला के हम जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे. तो आइए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं. सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन होगा वो है 20 and 32. ये हमारा क्वेश्चन है 20 and 32. अब हम इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे आज की वीडियो में हम यही जानेंगे. तो डियर स्टूडेंट, डोंट वेस्ट योर टाइम, कम ऑन द पॉइंट एंड लुक एट द राइटिंग बोर्ड. योर क्वेश्चन गिवन हियर 20 and 32. सबसे पहले हम दोनों का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे. एंड यू नो वेरी वेल आपको फैक्टर निकालना आ चुका है. तो आइए चलिए इसका फैक्टर निकालते हैं 20. सबसे पहले हम 20 का फैक्टर करेंगे और फैक्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से फाइंड आउट करना आ चुका है. तो सबसे पहले हम 2 प्राइम नंबर से इसका डिवाइड करेंगे. 2 2 1 2 and 2 0 0. 2 से हमने 20 का डिवाइड किया है तो क्वेश्चन क्या गया है 10. और क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पे जस्ट जीरो प्लेस पे राइट करते हैं. वंस अगेन वी हैव टू डिवाइड बाय 2. 2 से हम करेंगे तो 2 5 10 एंड देन आफ्टर 5 से डिवाइड करेंगे 5 हो गया 5. ये हमारा प्राइम फैक्टर फाइंड आउट हो गया 2 × 2 × 5. नेक्स्ट जो हमारा रिजल्ट दिया हुआ है 32. 32 को हम सेम उसी तरीके से फैक्टर करेंगे जैसे हमने 20 का किया है. तो 2 से चलते हैं. सबसे पहले 2 को ही लेंगे. 2 1 2 and 2 6 12. वंस अगेन डिवाइड बाई 2. 2 8 16. 1 more chance. 2 4 8. 2 2 4 and 2 1 2. You know very easy. क्या हुआ हमने 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32. इस तरीके से हमने दोनों डिजिट का 20 का एंड 32 का भी आसानी से हमने फैक्टर फाइंड आउट कर लिया. ओके ओके. सो हम नेक्स्ट का जो करेंगे 20 इज इक्वल टू. अब हम 20 का फैक्टर आसानी से निकालेंगे. बहुत आसान है फैक्टर निकाल. तो हमने सबसे पहले अभी फैक्टर निकाला है 20 और 32 का. जब हम 2 डिजिट का एलसीएम फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहला जो हमारा वर्क होगा वो होगा फैक्टर. हमने फैक्टर को दोनों डिजिट का फाइंड आउट कर लिया. अब जो हमारे प्राइम फैक्टर आए थे उन्हें हम राइट करेंगे. जैसे 20 का फैक्टर हमारा आ जाएगा 2 × 2 × 5. 2 × 2 and 5. क्लियर हो गया. अब हमारा 32 का फैक्टर जो है 32 का क्या आया है 2 × 2 × 2 × 2 × 2. 5 times multiply हुआ है तो लिखते हैं 2 × 2 × 2 × 2 and 2. 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 and 16 2 32. अब हमें एक चीज आपको ध्यान देनी है. सेम जैसे हमने एचसीएम को फाइंड आउट किया था उसी तरीके से अभी तक हमारा वर्क चल रहा है. एलसीएम में मेजर डिफरेंट क्या है, अभी तक हम एचसीएम को फाइंड आउट करते थे तो यहां तक वर्क करने के बाद हम जो डिजिट होते थे उनको हम कॉमन ले लेते थे और वही हमारा क्या होता था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता था. लेकिन एलसीएम में क्या करना है ये आपको ध्यान देना है. बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कंफ्यूज कर जाते हैं कि कैसे हमें एलसीएम लेना है. इसमें एलसीएम लेंगे तो कॉमन सभी लेना है कि नहीं लेना है, एचसीएफ निकालना है तो कॉमन सभी लेना है कि, ये थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रहती है.
बट यू डोंट वरी, आपको थोड़ा भी डिस्टर्ब ना होइए, हम देखते हैं कैसे एलसीएम को हम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम में आपको दो डिफरेंट डिजिट आपको दिखाई दे रहे हैं, एक 5 और या तो फिर 2। 2 और 5 दो डिजिट है, दोनों डिजिट को हम देखेंगे कि मैक्सिमम चांस कौन सा डिजिट कितने बार आया है। तो सबसे पहले हम 2 को लेते हैं, इस ग्रुप में हमारा 2 जो है वो 2 चांस दिया हुआ है और यहाँ पे 5 चांस दिया है। तो जो मैक्सिमम चांस दिया गया है उसी को हम क्या करेंगे, राइट कर देंगे एलसीएम। एलसीएम इज इक्वल टू 2 अगर 5 टाइम है तो इसको लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 एंड अब 5 है, 5 हमारा दोनों लाइन में केवल 1 चांस ऊपर की लाइन में ही दिया है, इसे भी हम क्या करेंगे, क्लियर है। अब देखिए हम सभी का इस 2 2 4 4 2 8 8 2 16 बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम जो भी नंबर दिए रहेंगे उन नंबर का हमें फैक्टर निकालना होगा। अगर आपको फैक्टर निकालने आता है तो आप 90% वर्क कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें फैक्टर करना है और फैक्टर कैसे किया है हमने यहाँ पे आपको करके दिखाया है। आइए एक बार फिर से देखते हैं कैसे हमने फैक्टर किया है और कैसे हमने एलसीएम को फाइंड आउट किया है। डियर स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट नंबर था 20 का हमने फैक्टर किया है, 2 से हमने डिवाइड किया है, 2 10 या 20, फिर 2 से हमने डिवाइड किया है, 2 5 10 एंड लास्ट में हमने 5 को 5 से डिवाइड किया है, क्योंकि 5 जो है वो क्या है, ऑड नंबर है और ऑड नंबर जो है इसीलिए वो 5 से डिवाइड हुआ है। तो 20 का फैक्टर हमारा हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अगर इसको हम चेक करना चाहें कि हमारा फैक्टर राइट है या रॉन्ग है तो क्या करेंगे, 2 2 4 एंड 4 5 20। सेम उसी तरीके से हम 32 का भी फैक्टर किए हैं, 32 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 16 आ गया, 16 को हमने 2 से डिवाइड किया है 8 आ गया है, 8 को हमने 2 से डिवाइड किया है तो 4 आ गया है, 4 को हमने 2 से डिवाइड किया है तो 2 आ गया है, और 2 को हम फिर लास्ट चांस 2 से डिवाइड किए हैं तो हमारा 1 आ गया है। जब हमारा 1 आ जाता है तो वहीं पर हमारा फैक्टर की प्रक्रिया क्या होती है, स्टॉप हो जाती है और जो भी नंबर रहते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सभी प्राइम फैक्टर होते हैं। तो हमने जो प्राइम फैक्टर फाइंड आउट किया है ये 20 का हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 एंड 32 का हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब हमें एलसीएम को फाइंड आउट करने के लिए जो फैक्टर है दो 20 के और 32 के, उनमें हमें जो मैक्सिमम नंबर है हमें उसी को राइट करना है, क्लियर। तो हमने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ये 2 हमारा 5 टाइम इसमें दिया है और इसमें 2 टाइम दिया है, तो जिसमें मैक्सिमम चांस रहेगा उसी को हम एलसीएम में राइट करेंगे। इस 1 2 3 4 5 और 5 हमारा 1 ही बार दिया है तो 5 को भी राइट कर लेंगे। जो नंबर मैक्सिमम चांस दिए रहेंगे नीचे और ऊपर में वही हम राइट करेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो हमारा एलसीएम क्या, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 5। तो 2 5 टाइम्स है तो 32 हो गया, 32 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 160। इज इट क्लियर? वन मोर क्वेश्चन लेते हैं और उसे भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसे भी इसी तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, आप इस तरह के क्वेश्चन को बड़े आसानी से हैंडल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये तो हमारा 2 डिजिट का था, जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एलसीएम को फाइंड आउट कर रहे हैं, हम 3 डिजिट के क्वेश्चन को लेते हैं और उन्हें भी हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 30 36 एंड 40। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है 30 36 एंड 40। ये हमारा अभी तक प्रीवियस हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, 2 डिजिट में था और ये हमारा क्वेश्चन जो है वो 3 डिजिट में है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। सेम प्रीवियस क्वेश्चन की ही तरह हम इसे भी फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, इन सभी नंबरों के हम फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे।
तो सबसे पहले हमने 30 लिया और 30 का हम फैक्टर करेंगे, बहुत आसान है। आइए अच्छे से इसको लिखते हैं और फैक्टर को कैसे हम फाइंड आउट करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम 30 का करेंगे फैक्टर, 30 हो गया, 30 को हमने 2 से डिवाइड किया 15, 2 1 या 2 1 बचा है 10 हो गया, 2 5 का 10। अब हम क्या करेंगे, हम 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 15 जो है वो ऑड नंबर है और ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो 3 से लिख लिया 3 5 का 15 एंड 5 हो गया 5। द फैक्टर ऑफ 30 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 5। इस तरह से हमने 30 का फैक्टर निकाल लिया। अब हम 36 का फैक्टर निकालेंगे। नेक्स्ट हमारा है 36। 36 का देखते सेम हम उसी तरीके से जैसे हमने 30 का निकाला है वैसे ही हम 36 का भी निकालेंगे। 2 से करेंगे फैक्टर, 2 अंडर 2 एंड 2 8 या 16। क्लियर है? वंस अगेन 18 का हम उसे डिवाइड करेंगे, 2 9 या 18 एंड 3 3 या 9 एंड 3 1 या 3। इज इट क्लियर? एंड लास्ट हमारा है 40। 40 को भी उसी तरीके से करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 20 हो जाएगा, 2 जा 4 एंड 2 0 जा 0। वंस अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 10 हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे 5 हो गया एंड 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो गया। और इस तरीके से हमारे तीनों नंबर के फैक्टर निकल चुके हैं। हमारे 30 का फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 36 का है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 40 लास्ट का है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 5। आइए चेक करते हैं जो हमारे फैक्टर है वह राइट है या रॉन्ग है। तो 5 3 15 15 टू द 30 इट इज राइट फैक्टर। एंड सेकेंडली 3 3 9 9 टू द 18 एंड 18 टू द 36 सेकेंड फैक्टर इज ऑल्सो राइट। एंड लास्ट दैट इज थर्ड फैक्टर 5 टू द 10 एंड 10 टू द 20 एंड 20 टू द 40 यस इट इज ऑल्सो राइट। तो हमारे तीनों जो नंबर दिए गए थे डिफरेंस वो तीनों नंबर के फैक्टर हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। अब इन सभी फैक्टर को हम यहाँ पे राइट करेंगे। 30 इज इक्वल टू 2, अब देखिए 30 के जो फैक्टर्स दिए गए हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 5। सेकेंडली 36 दिया है, 36 के फैक्टर यहाँ पे दिए गए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3 एंड लास्ट दैट इज थर्ड 40। ओके 40 का फैक्टर दिए गए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 5। डियर स्टूडेंट्स अब हमें यहाँ पे सभी फैक्टर के एलसीएम को फाइंड आउट करना है, एलसीएम जानने की कोशिश करना है कि एक्चुअली इन तीनों डिजिट में जो तीनों के फैक्टर हैं उनके डिजिट उसके जो प्राइम फैक्टर है उस जो डिजिट होगा उसमें एलसीएम उसका क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम चेक करेंगे इसमें जो डिजिट है जैसे यहाँ पे 2 है 3 है 5 है, ये 3 डिजिट हम यहाँ पे देख पा रहे हैं तीनों में 1, 2 और 3। तीनों में हम 3 डिफरेंट टाइप के डिजिट देख रहे हैं, सेकेंड है थर्ड है एंड फिफ्थ ये हमारे। तो इन्हें हमें देखना है कौन सा डिजिट तीनों रूम में सबसे ज्यादा टाइम यूज किए गए हैं। तो सबसे पहले हम सेकेंड को देखेंगे टू को, तो टू हम देखेंगे इसमें 1 चांस है, इसमें 2 चांस है और इसमें 3 चांस है। तो जिसमें मैक्सिमम चांस है उसी को हम एलसीएम लेने के लिए यूज में लाएंगे। एलसीएम इज इक्वल टू इसमें हमारा 3 टाइम है, हम इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2। अगला हमारा नंबर जो है वो 3 है, 3 को चेक करेंगे। फर्स्ट वाले में 1 चांस 1 टाइम दिया गया है, सेकंड में हमारा 2 टाइम्स दिया गया है और थर्ड में हमारा दिया गया है, यानी मैक्सिमम कितने दिए गए हैं सेकंड में 2 टाइम्स दिए गए हैं। तो ये है 3 मल्टीप्लाई 3। अब अगला हमारा अगला नेक्स्ट जो है वो क्या है 5। 5 फर्स्ट वाले में 1 टाइम दिया है, सेकंड वाले में दिया ही नहीं है और थर्ड वाले में भी 1 टाइम दिया है। तो मैक्सिमम टाइम जो दिया रहेगा उसी को लिखेंगे, मींस 1 टाइम दिया है। क्लियर है यहां? आइए अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं और एग्जैक्ट उसका जो एलसीएम होगा उसको हम राइट करने का प्रयास करते हैं। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24। 24 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 5। यहां तक तो हमने ओरली कर लिया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। आप चाहे तो पूरा मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं,
लेकिन डायरेक्ट आप मैं अगर लिखता हूँ तो आपको समझने में दिक्कत होगी, इसीलिए हमने यहाँ पर ओरली किया है। उसके बाद हम फिर थ्री का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा उसमें फिर फाइव का मल्टीप्लाई करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? आइए बस इसे देखते हैं। थ्री फोर या ट्वेल्व, टू वन कैरी, थ्री टू या सिक्स एंड वन सेवन, ओके 72 हमारा हो गया एंड 72 मल्टीप्लाई बाई 5, इज इट क्लियर? एंड लास्ट हमारा हो जाएगा, अब 72 में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टू द 10 0 1 कैरी एंड 5 3 जा 5 7 जा 35 एंड 1 36, ये हमारा हो गया। देखिए 2 क्या किया हमने यहां पे, 2 3 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 3 मल्टीप्लाई 3, ये हम चेक कर रहे हैं। अभी देखिए ये हमारा आंसर रॉन्ग है या राइट है, ये हमें यहाँ पता लगने का। 2 का फैक्टर हो गया 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 5 जा 14, दोनों पे हमारा मैक्सिमम चांस 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 हमने लिखा, देन आफ्टर 3 हमारा 2 टाइम्स किया गया, 1 2 टाइम्स हमने 3 बार राइट किया एंड लास्ट है 5, तो 2 टू द 4 फिर से हम इसको यहाँ पर राइट करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए 2 टू द 4, 4 टू द 8 एंड 8 थ्री द 24, 24 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू, नेक्स्ट हम देखेंगे 3 4 द 12, 2 एंड 3 टू द 6 एंड 1 7 मल्टीप्लाई 5, ओके द लास्ट वन इज 5 to the 10, 0 and 5 7 the 35 and 1 37. Take 5 to the 10, 0, 1 carry and 5 7 the 35 and 1 36. So 360 आपका ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया। और इस तरीके से हम बड़े आसानी से इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट आपके वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड।